बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ द कोर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ डायोड्स। कम टू द नेक्स्ट सर्किट। दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स सर्किट आई वुड से। लेट अस सी दैट। कंसिडरिंग द डायोड टू बी आइडियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आई एंड वोल्टेज वी। Let us see this. There is a diode over here which is a D1 diode. A diode is over here which is D2 diode. First of all, try to see whether D1 seems to be on or off and whether D2 seems to be on or off. See that on the positive terminal of D1 there is 0 volt high voltage. On the negative terminal of D1 there is -10. A smaller voltage even than 0, -10 है, तो I expect D1 to be on. In the same manner, D2 के positive पर there is 10 volt, D2 के negative पे there is -10 volt. Okay, D2 also seems to be on. So what I have written that the circuit indicates that both D1 and D2 are forward biased. Fine, since they are forward biased, I am now replacing D1 and D2 with a short circuit. I replace D1 with a short circuit, I replace D2 with a short circuit. In this circuit, we have to find the value of the current I. Please remember, in any circuit, if you want to find the value of the given current, and for this purpose, suppose you need to apply KCL at any terminal during the calculation, then you must label that terminal something. And then refer to that terminal in your calculation. यानी कि अगर मैं numerical solve कर रही हूँ, उन्होंने तो मुझसे current I और voltage V मांगा था, लेकिन मुझे suppose पता चला कि भाई मुझे इस point पे KCL apply करना है, just for example, तो मैं, और यहाँ का कोई नाम नहीं था, यहाँ तो चलने V दिया हुआ है, तो मैं इस point का कोई नाम दूंगी कि भाई ये point A है या B है, और मैं इस point पे KCL apply कर रही हूँ ताकि examiner को पता चल सके that which point I am referring to. अच्छा, इसी के अलावा अगर मुझसे ये करंट मांगा गया है, बट नाउ ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आई फील दैट आई विल बी नीडिंग द करंट ऑफ दिस ब्रांच एंड आई विल बी नीडिंग द करंट ऑफ दिस ब्रांच. सो व्हाट आई डिड, आई सपोज टू करंट्स, I1 फॉर दिस ब्रांच, I2 फॉर दिस ब्रांच. आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट यू शुड राइट इन योर कैलकुलेशन दैट टू एडिशनल करंट्स हैव बीन अज्यूम्ड, I1 and I2, and they are shown in the circuit diagram. ये आपको mention करना ज़रूरी है कि आपने दो करंट खुद से चूज़ किए हैं, I1, I2, और आपने उनको सर्किट डायग्राम में बता दिया. अगर आपने लिखा अपनी कैलकुलेशन में कि आप I1, I2 को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे सर्किट डायग्राम में कहीं I1, I2 नज़र नहीं आ रहा, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव अ ज़ीरो, बिकॉज आई डोंट नो विच करंट यू आर टॉकिंग अबाउट. वेन एवर यू सेलेक्ट एनी करंट और अ वोल्टेज, लेबल इट ऑन द सर्किट. Okay, so now I see that D1 is short circuit, D2 is short circuit. Now you see, this is 0 volt. This 0 volt will appear on this terminal, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई component नहीं है, तो यहाँ पे 0 volt appear हो गया. देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी कोई component नहीं है, कोई component नहीं है, यहाँ पहुँच गए, कोई component नहीं है. यानी कि इन अदर वर्ड्स, यहाँ से जो 0 वोल्ट चलता हुआ आ रहा है, 0 वोल्ट चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ 0 वोल्ट यहाँ आ गया. इससे पता चला कि V की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तो मैंने कहा ओके, V की वैल्यू 0 है. मैंने कहा कि सर्किट इंडिकेट कर रहा है कि सब फॉरवर्ड वाइज है, V की वैल्यू निकल रही है 0 फ्रॉम द सर्किट. अच्छा, अब मुझे I फाइंड करना रहता है. अब आप ये देखें कि ये जो I है, I actually is the current across this diode. मुझे diode की तो कोई current equation आती नहीं है, वरना तो वही मुझे complex वाली use करनी पड़ेगी. क्यों ना ऐसा करूँ कि इसके current को इस्तेमाल कर लूँ, इसके current को इस्तेमाल कर लूँ और KCL लगा दूँ इस वाले node पे, ताकि ये current I निकल जाए. मुझे ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तो ये तीसरा current मुझे पता चल जाएगा. So what I do now? Okay, now let us see that कि I1 करंट मुझे फाइंड करना है. फॉर दिस आई कैन यूज़ द ओम्स लॉ. मुझे ये V वोल्टेज की वैल्यू पता है 0 है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज 10 है, I1 करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैंने कहा 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम इज इक्वल टू दिस करंट I1. यही मैंने लिखा है, 10 माइनस वी अपॉन 5 किलो ओम.
वी की वैल्यू 0 पुट कर दी 5 किलो ओम किया, आई वन की वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पियर. सिमिलरली आई विल बी अप्लाइंग अ केसीएल एट आई विल बी अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर आई टू एज वेल. देखिए मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो 0 वोल्ट है यहाँ पे आ रहा है 0, अब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी तो दिस वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम इस आई टू के बराबर होगा. क्या किया मैंने, ये वोल्टेज था 0, 0 माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम इज इक्वल टू आई टू. दोबारा बता रही हूँ, देखें यहाँ का वोल्टेज 0 है, 0 माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम इज इक्वल टू आई टू, ये आ गया आपके पास. अब जब मेरे पास आई वन भी आ गया, मेरे पास आई टू भी आ गया, आई विल बी अप्लाइंग के सी एल एट नोड अबव 10K. इट इज़ ऑफकोर्स माई मिस्टेक कि मुझे यहाँ 10K अबव 10K लिखने के बजाय इस नोड को ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई नाम दे देती और कहती अप्लाइंग के सी एल एट नोड एक्स. बहरहाल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई वन. आई वन करंट यहाँ से आ रहा है, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई. करंट आई यहाँ से आ रहा है, करंट आई वन यूँ आ रहा है टूअर्ड द नोड. तो देखिए आई का डायरेक्शन और आई वन का डायरेक्शन टूअर्ड द नोड है. इन दोनों को मैंने यहाँ केसीएल लगाते हुए एक साइन दिया. आई टू का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नोड है, आई टू इस नोड से अवे जा रहा है, तो मैंने आई टू को दूसरी साइड पर रखा है. आई मुझे निकालना था, आई टू आई वन की वैल्यू पुट की और आई की वैल्यू आ गई माइनस 1 मिली एम्पियर. प्लीज़ नोट कि इस वक्त सिंस आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग्स ऑन द स्लाइड, अगर मैं बैक स्लाइड पर वापस जाऊँगी देन वो पूरी की पूरी मेरी स्लाइड को री रिकॉर्ड कर देगा. बहरहाल आप अपने पास चेक कर सकते हैं कि ये जो डायोड D1 है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, नेगेटिव टर्मिनल नीचे था, तो इसके थ्रू करंट I जो मांगा गया था वो यूं फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है. मैंने पहले भी बताया था कि डायोड का करंट जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो हो यहाँ से यहाँ, उसकी वैल्यू हमेशा आनी चाहिए पॉजिटिव. ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है. नॉर्मल अजम्पशन से कैलकुलेट किया और डायोड के थ्रू गुजरने वाला करंट उसके पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला करंट अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी अजम्पशन गलत है. ठीक है, इस वजह से अब हमें इस पूरे सर्किट को रीकैलकुलेट करना होगा. अगर सपोज ये करंट यहाँ पे माइनस 1 मिली एम्पियर नहीं बल्कि प्लस 1 मिली एम्पियर आ जाता तो ये न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म हो जाता. Why I am proceeding this numerical further is because D1 का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, D1 का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है. पॉजिटिव से नेगेटिव आने वाला करंट पॉजिटिव आना चाहिए था, ये नेगेटिव आ गया. इट इंडिकेट्स कि ये डायोड रिवर्स बाइज है. अब इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी रीसॉल्विंग द सर्किट कंसीडरिंग डायोड D1 टू बी रिवर्स बाइज. D2 का जो करंट मैंने अपनी अजम्पशन से फाइंड किया है, D2 का भी पॉजिटिव ऊपर था नेगेटिव नीचे, उसका करंट I1 जो मैंने फाइंड किया वो पॉजिटिव आया मेरी अजम्पशन से. इसका मतलब ये हुआ कि D2 तो ऑन है, D2 का करंट I1 पॉजिटिव आया मेरे पास, लेकिन I करंट जो D1 का था वो मेरे पास नेगेटिव आया. इसका मतलब D1 तो ऑफ है, सिर्फ D2 ऑन है. आई हैव टू रीड्रॉ द सर्किट. लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये चीज़ आप देख रहे हैं कि दोबारा से रिपीट हो गई है, ये कैलकुलेशन पिछले पेज पर भी, सिंपली डिस्कार्ड इट. अच्छा, नेगेटिव करंट का मतलब ये है कि डायोड ऑफ है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी. तो अब मैंने रीड्रॉ किया सर्किट को, जिसमें मैंने D1 को ऑफ दिखाया, D2 को ऑन दिखाया. जब मैंने D1 को ऑन दिखा रही हूँ तो क्या होगा, आई करंट तो D1 के थ्रू गुजर रहा था, इसका मतलब है अब आई करंट जो है वो 0 हो गया है डायरेक्ट. जब डायोड ऑफ नज़र आया तो इसके गुजरने वाला करंट डायरेक्टली 0 लिखा मैंने, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है. अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो करंट I1 है और ये जो करंट I1 है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब I1 और I2 करंट्स को बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली ब्रांच में तो कुछ करंट है ही नहीं. अब तो एक सीरीज ब्रांच बन गई जो कि 10 से यहाँ 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 करंट फ्लो होते हुए आ रहा है. अब मैं कह सकती हूँ कि I1 करंट और I2 करंट बराबर होंगे, यही मैंने लिखा है कि अब I1 और I2 करंट बराबर हैं. ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि I करंट इस ब्रांच का करंट 0 हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं.
अब आप ये देखिए कि मुझे चाहे मैं I1 फाइंड कर लूँ और मैं I2 फाइंड कर लूँ, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप नोट करें तो देखें, ये जो वोल्टेज है, ये जो लाइन बनाई है, इसमें कोई करंट नहीं है, आगे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, इसमें कोई करंट नहीं, एक सिंपल सीरीज सर्किट है, 10 5 वोल्ट D2 सर्किट, 10 किलो ओम का सर्किट इज इक्वल टू -10। KVL पढ़ा होगा आपने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। वोल्टेज के टर्म में सारी चीज़ें लिखूँगी, वो क्या, ठीक है, या तो मैं KVL अप्लाई कर लूँ, अदर मेथड इज़ ओम्स लॉ। अब ये एक सिंपल सीरीज सर्किट है जिसमें करंट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो कर रहा है, सॉरी 10 वोल्ट से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ, तो मैं क्या करती हूँ, ओम्स लॉ लगाती हूँ, 10 -10, ये लगाया ओम्स लॉ, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बोथ दीज रेजिस्टेंस, 5 किलो ओम + 10 किलो ओम, तो मुझे जो करंट मिलेगा वो I1 भी होगा, वो I2 भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। नाउ I1 एंड I2 आर द सेम करंट्स, ये मेरे करंट का रास्ता है जो कि सीरीज नज़र आ रहा है, तो मैंने ओम्स लॉ लगा लिया, 10 -10 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज रेजिस्टेंस, मेरे पास I1 I2 करंट आ गया 1.33 mA। वोल्टेज वी फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं, क्या मैं ओम्स लॉ लगाऊं 10 -V डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, ये क्या आ गया मेरे पास, 10 -V डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम इज इक्वल टू I1, 10 -V ओवर 5 किलो ओम इज इक्वल टू I1, वी मुझे चाहिए, I1 मुझे पता है, सारी वैल्यूज करूं तो वी की वैल्यू 3.33 वोल्ट निकल आ रही है। या दूसरा तरीका मैं क्या कर सकती हूँ, देखें ये वी D2 जो है वो शॉर्ट है, तो बेसिकली ये वी वोल्टेज ही यहाँ पे अपीयर हो रहा है, वी वोल्टेज ये वाला, हकीकतन ये टर्मिनल भी इस वक्त वी वोल्टेज पे है, इस वजह से कि वी से लेके यहाँ तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि D2 एक शॉर्ट सर्किट से आपने रिप्लेस किया है। यहाँ टर्मिनल जो है ये भी वी है, मैं ऐसा कर लूँ कि ओम्स लॉ यहाँ लगा दूँ, वी -10 डिवाइड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2, यही मैंने किया है, वी -10 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2 लिखूँ या I1, एक ही बात है, इसमें से मैंने सॉल्व वॉल्व करके वैल्यू पुट करके वी की वैल्यू निकाली, तो वी 3.3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3.3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। अब चूंकि सारे करंट्स भी पॉजिटिव आए, वोल्टेजेस भी सही आ गए, तो अब ये सवाल ख़त्म हो गया है। अदरवाइज अगर D1 का जो करंट मैंने I पहले निकाला था वही पॉजिटिव आ गया होता, तो डायरेक्टली वही आंसर हो गया होता, न्यूमेरिकल वहीं ख़त्म हो जाता। इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें कि डायोड ऑफ है और फिर हमें जो है वो दोबारा कैलकुलेशन करनी है, बुक में एक ही है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे इस टाइप का और कोई मजीद न्यूमेरिकल होगा नहीं कि जिसमें जब डायोड ऑफ मिला तो दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ी। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द सर्किट्स विद द कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 where I had to find I and V, but this time now I am solving using the constant voltage drop model. Same circuit as question number 1, diode के positive terminal पे high voltage है, negative terminal पे low voltage है, ठीक है, diode on नज़र आ रहा है, चूँकि diode on है इस वजह से अब मैंने diode को एक supply voltage से represent किया, ये supply voltage जो है सप्लाई नहीं हो रही होगी, बेसिकली इसमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप दिखाने के लिए मैंने ये 0.7 वोल्ट की सप्लाई दिखा दी है, बैटरी दिखा दी है, इसका मतलब है कि ये डायोड 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा। अच्छा, अब हमें इस तरह के सर्किट्स को जिसमें कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल आप ले रहे हैं, हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज को लोकेट कर लेना चाहिए, वो क्या, देखिए इस सर्किट का हाईएस्ट वोल्टेज क्या है 5, इस सर्किट का लोएस्ट वोल्टेज क्या है 0, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, ये कोई चीज़ नहीं है, 5 वोल्ट में से वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, थोड़ा वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, तो आखिर में 0 बच जाएगा। इसका मतलब अब हुआ क्या कि 5 में से ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का वोल्टेज मुझे मिल जाएगा, वही मैंने लिखा है कि V की वैल्यू क्या है 5 -0.7 जो के बराबर है 4.3 वोल्ट्स के बराबर। अब जब भी मेरे पास V की वैल्यू नोन हो जाती है,
बिल्कुल पिछले तरीके से मैं ओम्स का लगाऊंगी कि वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम इज इक्वल टू दिस करंट, यही किया है मैंने, वी माइनस जीरो डिवाइड बाई 2 किलो ओम आई करंट के बराबर है और इसकी वैल्यू आ रही है 2.15 मिली एम्पियर। यही न्यूमेरिकल जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब मैंने इसको प्रैक्टिकल सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से सॉल्व करवाया है तो फॉरवर्ड की कंडीशन चेंज हो गई। ऐसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 में मैंने रिवर्स वाइज के साथ भी करवाया था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिवर्स वाइज चाहे कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप में हो और वेदर इट इज़ इन द आइडियल डायोड मॉडल, वी ऑलवेज रिप्लेस अ रिवर्स वाइज डायोड विद एन ओपन सर्किट। Therefore, I haven't solved question number 2 again over here with the open circuit. It will be exactly same for constant voltage drop and same for ideal voltage drop model. Let us proceed to question number 8. This is, I think, question number 3 or question number 5. Anyways, we are asked to use the constant voltage drop model and we have to find the value of I and V. Let us see if the diode is on and off, and please note that I have asked you to use the constant voltage drop model only where I saw the diode was on. So please note that on the negative terminal there is a low voltage minus 5, on the positive terminal there is a high voltage 0 volt, the diode is on. Since the diode is on, again I replace the diode with a battery. अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ये जो बैटरी है डायोड के डायरेक्शन के हिसाब से बनी है। नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पर है वहाँ मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का जहाँ पर है वहाँ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। अब मुझे जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया कि हमने कहा यहाँ से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होते 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 ज़ीरो आ रहा था, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती कि लेट अस ट्राई टू लोकेट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वोल्टेज इन द सर्किट। इस सर्किट का हाईएस्ट वोल्टेज क्या है? ज़ीरो। इस सर्किट का लोएस्ट वोल्टेज क्या है? माइनस 5। ये सर्किट इनफैक्ट उल्टे डायरेक्शन में बना हुआ है। हाईएस्ट वोल्टेज है 0, लोएस्ट वोल्टेज है -5, यानी कि 0 वोल्ट में से 2 किलो ओम का ड्रॉप निकलेगा, इस 0.7 का ड्रॉप निकलेगा, तो आखिर में -5 वोल्ट बचेगा। इसीलिए मैं आपको बता रही थी दैट वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व एनी सीरीज सर्किट ऑलवेज ट्राई टू लोकेट द हाईएस्ट वोल्टेज फर्स्ट, बिकॉज वी विल स्टार्ट राइटिंग अवर केवीएल इक्वेशन और द सॉल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वोल्टेज एंड गोइंग टूवर्ड्स द लोएस्ट वोल्टेज। तो मैंने क्या किया, ज़ीरो से इसका ड्रॉप निकला, इसका ड्रॉप निकला तो -5 बचा, तो मुझे पता चल रहा है वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में कम होता हुआ जा रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि -5 में से इसका ड्रॉप निकालूँ तो V बचेगा, नो। मैंने अभी पता लगाया है वोल्टेज यूँ रिड्यूस कर रहा है, तो मुझे लिखना होगा V में से 0.7 का ड्रॉप निकलेगा तो -5 बचेगा। यही मैंने लिखा है कि V माइनस 0.7 इज इक्वल टू -5। नाउ आई कैन सॉल्व इट, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ V टू बी -4.3 वोल्ट। ओके, एज सून एज आई नो दिस वोल्टेज आई कैन अप्लाई ओम्स लॉ टू फाइंड दिस करंट I। प्लीज नोट दैट आई नो दैट द करंट द हाईएस्ट वोल्टेज इज दिस, द -5 वोल्टेज इज दिस, this is the direction of the voltage drop, but they are asking us to find this current. Apply Ohm's law to find this. V minus 0 divided by 2 kilo ohm is equal to I. V minus 0 over 2 kilo ohm is equal to I, and this is the current that I have got. Ab zara dobara dekhen ke ye current, this current is again a negative value. I told you earlier that the current through the diode should be positive when it is flowing from positive terminal of diode to the negative terminal of the diode. अब आप ज़रा नोट करें, डायोड, हेयर इज अवर डायोड, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक जाता हुआ करंट पॉजिटिव होना चाहिए। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानब जाता हुआ करंट इट शुड बी पॉजिटिव। अब आप देखें, आपने करंट कैलकुलेट कौन सा किया है, आपने
अपोजिट करंट कैलकुलेट किया है, आई जो डायोड से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस डायरेक्शन को पलट दूं, डायोड के इस डायरेक्शन को पलट दूं, तो वो करंट क्या होगा, वो करंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही चीज़ फाइंड किया, मैंने जो करंट फाइंड किया है वो इस डायरेक्शन में है, जब भी वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मैंने इस करंट की डायरेक्शन को पलटा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और इसकी साइन भी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इस करंट का माइनस साइन होना, इट्स नॉट इंडिकेटिंग दैट द डायोड इज़ ऑफ, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट द डायोड इज़ ऑन, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन करंट। डायोड्स करंट फ्लोइंग फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कैन बी नेगेटिव। डायोड्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स फ्लोइंग फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिस करंट कैन बी नेगेटिव। बट डायोड्स करंट फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल शुड नॉट बी नेगेटिव। तो ये पहली वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस इज करेक्ट करंट। फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, आई थिंक इट इज इंक्रीजिंग अलॉट, the time span is too much more today, but I wanted to finish all the numericals in a single slot so that we can start with a new topic in the next class. Okay, so again this is a circuit, we have to find the value of I and voltage V naught and using the constant voltage drop. First of all, let us see the direction. This is the highest voltage on the positive terminal of the silicon and on the negative terminal of the germanium, on the positive terminal of silicon and the positive terminal of germanium, and both negative terminal are facing the low voltage 0 volt. So we expect that the diodes are on. Therefore what I did, I replaced the silicon with a 0.7 volt supply, I replaced germanium with a 0.3 volt supply. And similar to the previous, I will try to locate the highest voltage and the lowest voltage. The highest voltage of the circuit is this 12 volt, the lowest voltage of the circuit is 0 volt. So I should think that starting from 12 volt, there will be drop of 0.7 in silicon diode, there will be a drop of 0.3 in the germanium diode, there will be a drop in this resistor, and at the end 0 voltage will be left. So based on the same thing, I have tried to write that agar if I want to find the value of this V naught, what this value will be. 12 volt mein se I should subtract the drop of this, I should subtract the drop of this, I would get the voltage at this point V naught. This is what I have done. V naught kaise bataya, 12 mein se 0.7 ka drop nikala, 0.3 ka drop nikala, V naught ki value mere paas aa gayi 11. Please note ke V naught is not conducting any current, this branch is not conducting any current, sirf is point ke voltage ko yahan likhne ke bajaye thoda sa lambi line nikal ke yahan V naught likh diya, otherwise main iske upar bhi yahan V naught likh deti, it would have been the same thing. Dobara bata rahi hu, I located the highest voltage, I located the lowest voltage, and I now know that the voltage will be decreasing in this direction. Based on this thinking, based on this intuition that I can see from here, I expect ki 12 mein se iska drop aur iska drop nikal jaye to V naught milega, wo mujhe mil gaya, 12 minus 0.7 minus 0.3 V naught mil gaya. Now once I know this V naught, I can easily find this I using Ohm's law. V naught minus 0 divided by 5.6 kilo ohm, wo iske through guzarne wale current ke barabar hoga. V naught minus 0 over 5.6 kilo ohm is equal to I, and the value of I over here is 2.07 milliampere. This was a very simple numerical in fact. Similar numerical as the last one, but constant voltage drop has to be followed, I and V naught are to be calculated. The diodes both are silicon and they are now oppositely facing each other. Dekhen, the circuit connection indicates that this diode might be on because its positive terminal is connected to a high voltage, its negative terminal is connected to a low voltage. We expect this silicon to be on. Lekin, the condition for this silicon is reversed. Its negative terminal is connected to high voltage, positive terminal is connected to a ground. So
दिस सिलिकॉन इज ऑन, दिस सिलिकॉन इज ऑफ. नाउ व्हाट यू सी, अगर ये वाला ऑफ है तो क्या होगा, आई विल बी रिप्लेसिंग दिस विद अ बैटरी एंड आई विल बी रिप्लेसिंग दिस विद एन ओपन सर्किट. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सिंस दिस इज एन ओपन सर्किट, ये और ये दे बोथ आर इन सीरीज, सो टर्निंग ऑन, सॉरी टर्निंग ऑफ ऑफ वन ऑफ द डायोड विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ ऑल द अदर डायोड्स प्रेजेंट इन सीरीज, नो मैटर वट फॉरवर्ड वोल्टेज हैज बीन अप्लाइड ऑन दैम. दोबारा से देख लें, दीज टू सिलिकॉन डायोड्स आर अवेलेबल, पॉजिटिव वोल्टेज, सॉरी ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल अ हाई वोल्टेज, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल जीरो वोल्ट. पहला वाला ऑन, दूसरा वाला अपोजिट है, नेगेटिव पे ज़्यादा वोल्टेज नज़र आ रहा है एंड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल आई कैन सी जीरो वोल्ट. दिस इज ऑफ शुड बी रिप्लेस विथ एन ओपन सर्किट, दिस इज ऑन शुड बी रिप्लेस विथ अ बैटरी. एन ऑफ डायोड इन सीरीज विथ एन ऑन डायोड विल ऑटोमेटिकली टर्न बोथ ऑफ देम ऑफ, बिकॉज सीरीज में करंट जो फ्लो करता है, अगर 20 से करंट ओपन सर्किट है तो बाकियों में कैसे करंट हो सकता है. सो ऑटोमेटिकली आई नो कि वो सीरीज में है, क्या होगा, करंट आई जो है वो ज़ीरो आ जाएगा. When the current I is zero, now I can apply Ohm's law to find this V naught. V naught minus zero over 5.6 kilo ohm is equal to I. यही लिखा हुआ है. I की value zero है, यहाँ cross multiply होकर zero होगा and it will give me zero voltage V naught. ये V naught है. I forgot to write V naught. This is V naught जो कि zero आ रहा है. I think this is our last numerical. No, in fact, one more is after this, I recall. Please note, there is one diode. Positive terminal of diode is at a high voltage. Negative terminal of the diode is at a low voltage. Okay. Expected to be on. The diode is expected to be on. And this is the highest voltage in the circuit. This is the lowest voltage. The voltage is dropping in this direction. Okay. Now they are saying that this is the current I. There is no current mentioned for this branch. What will be its current? तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे there is no current going over here. If I current is flowing over here, the same I current will be flowing over here and its direction will be from 10 volt to the V naught. ये current यहाँ से यहाँ flow हो रहा होगा, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, चूंकि मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती यहाँ पे, सिमिलर टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 कि मैं यहाँ एक डायोड था, दो डायोड था, दोनों द डायोड्स ड्रॉप्स वर नोन टू मी एंड आई रोट द वैल्यू वी नॉट डायरेक्टली. हियर आई कैन नॉट डू सो बिकॉज आई डू नॉट नो द ड्रॉप ऑफ दिस 4.7 किलो ओम रेजिस्टर, इट इज़ अ रेजिस्टर. सो आई विल हैव टू राइट एन इक्वेशन दैट 10 वोल्ट में से इस रेजिस्टर का ड्रॉप निकालूँ. I should take the drop of this silicon, I should take the drop of this resistor and at the end I will get minus 5 volt. This is what I have tried to write over here and this writing of equation is called as the KVL equation, applying KVL on the circuit. Now the question arises, how can I write the voltage drop of this resistor? I can write it by multiplying it with the current that is going through it. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा 10 वोल्ट में से निकाला 4.7 किलो वाले का करंट, सॉरी का ड्रॉप. क्या किया मैंने, 4.7 किलो को आई मल्टीप्लाइड विद द करंट, देन द ड्रॉप ऑफ द सिलिकॉन डायोड हियर, देन द ड्रॉप ऑफ द 2.2 किलो ओम, दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द करंट आई, इज इक्वल टू में क्या बचा, माइनस 5 बचा. Now in this equation only the value of I is unknown. You can easily calculate the value of I. ये आप calculate करके ज़रूर देखिएगा because some of the values are kilo ohm and some of the currents are milliampere. So maybe you don't get the correct answer at the first instance. ये calculation practice should have been done by all of you. Okay. Now in fact I would suggest all of you to
सिंपली नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन योर सेल्फ एंड इफ यू डोंट गेट देन प्लीज सी माई सोल्यूशन. आप खुद से करने की कोशिश करें इसे. ओके, नाउ वंस द वैल्यू ऑफ आई इज नोन इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड द वोल्टेज वी नॉट. आई कैन अप्लाई ओम्स लॉ वी नॉट माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू किलो ओम डिवाइड बाई 2.2 किलो ओम इज इक्वल टू आई. ये ओम्स लॉ लगाया वी नॉट माइनस माइनस फाइव डिवाइड बाई 2.2 किलो ओम इज इक्वल टू आई. आई नो द वैल्यू ऑफ आई इज दिस. आई कैन ईजली फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट. Let us go to the